तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर व भारत राष्ट्र समिति के रियासती सदर के चंद्रशेखर राव ने एक तारीखी फैसला सुनाया। के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत के तमाम किसानों के कर्ज को माफ़ कर दिया। वाज़ेह हो कि यह कर्ज 19,000 करोड़ रुपए का था, जिसे चीफ मिनिस्टर KCR ने माफ़ कर दिया। इसी सिलसिले में आज नांदेड़ शहर के ITI चौराहे पर BRS पार्टी के तमाम जिम्मेदारान व कारकुनान इकट्ठा होकर ज़बरदस्त आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। इस मौके पर BRS पार्टी के फाउंडर मेंबर शेख मोइन भाई तमन्ना वाले, शेख सरफराज अहमद व दिगर कारकुनान ITI चौराहे पर जमा हुए। इस मौके पर BRS पार्टी के दिगर जिम्मेदारान में शामिल धनराज कदम, यशपाल भिंगे, नामदेव चौहान, परवीन जट्ठेवार, शेख मोइन भाई तमन्ना वाले, शेख सरफराज अहमद, अब्दुल रज्जाक मोमिन, लतीफ़ खान, सैयद रियाज, जकी भाई, अहमद भाई शाहपुरकर, नसीर भाई, सैयद फ़हीम, सैयद इनायत अली, अतीक लीडर, तुराब खान, सुनीता बेरूरकर, मनीषा भालेराव, स्वारा मराठे, प्रदीप जैन व दिगर अफराद मौजूद थे। काल आपल्या तेलंगणा सरकारमध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय झाला। तेलंगणा सरकार शेतकऱ्यासाठी काम करतंय हे भारतभर नाही, जगामध्ये प्रसिद्ध आहे। काल KCR साहेबांनी एक मताने असा ठराव घेतला की शेतकऱ्यांच्यावरती 19,000 कोटी रुपयाचं जे कर्ज होतं ते संपूर्ण कर्ज हे माफ करण्यात आलेलं आहे। आपल्याला माहिती आहे की हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, फुले शाहू आंबेडकरांचा, अण्णाभाऊ साठेंचा महाराष्ट्र आहे। परंतु या महाराष्ट्रामध्ये आज सर्वाधिक आत्महत्या होत आहेत। 2024 किसान पुत्र आपल्या हातामध्ये या महाराष्ट्राची सत्ता घेतील, KCR साहेबाला तिथे दिल्लीमध्ये पंतप्रधान करतील, निश्चितपणे करतील आणि या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हा भारत राष्ट्र समितीचा होईल। कारण शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रचंड वाढलेले आहेत आणि शेतकरी आज पर्याय शोधतो आहे आणि तो पर्याय म्हणजे भारत राष्ट्र समिती। म्हणून आम्ही नारा दिलेला आहे, आपकी बार, आपकी बार। श्री अध्यक्ष तथा तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री KCR साहब, के चंद्रशेखर राव साहब, इन्होंने तेलंगाना राज्य के किसानों का 19,000 करोड़ का फसल जो कर्ज है वो माफ़ किया है और 19,000 करोड़ रुपए का अनुदान जो है उनकी सरकार ने दिया है। ऐसा अनुदान महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं दे रही है, इस कारण जो है हम भारत राष्ट्र समिति के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर राव साहेबांनी तेलंगणा राज्यातील शेतकऱ्यांची 19,000 कोटी रुपयांची कर्जमाफी करून तिथल्या शेतकऱ्यांना न्याय दिलाय, त्याबद्दल संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या वतीनं आम्ही त्यांचं मनापासून अभिनंदन व्यक्त करतो। शेख मोईन BRS पार्टी का जिम्मेदार आज पूरे तेलंगाने में जो 19,000 करोड़ जो माफ़ कर दिए हमारे साहब ने, जो KCR साहब ने, वो कोई दो राय नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आज दुनिया की कोई ताकत
आज तक मुख्यमंत्री जो भी आए आज तक कोई ऐसा काम नहीं करे, आज ये काम करे बहुत बड़ी बात है। आज जो के जो तेलंगाना के जो शेतकरी है आज आत्महत्या करते थे वो आत्महत्या बंद है। आज महाराष्ट्र में पूरे आत्महत्या हो रहे, ये इनको भी बंद करना चाहिए। शेतकरी का कर्ज माफ़ करना चाहिए, आज शेतकरी को कैसी कैसी सुविधा देना चाहिए, ये यहाँ के मुख्यमंत्री का काम है और बेलास काम करना चाहिए। आज हमारे मुख्यमंत्री कैसा कर रहे वैसा है कि नहीं, इनको भी करना चाहिए। आज सब देश भर में क्या चल रहा है ये देखना चाहिए। यहाँ की सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, यहाँ की सरकार को भी ये कदम उठाना चाहिए। जय बीआरएस, जय केसीआर। देखिए केसीआर साहब, जो केसीआर साहब की बीआरएस पार्टी जो पिछले 10 सालों से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और कष्टकारियों के लिए काम कर रही है तेलंगाना में, ठीक उसी तरह आज केसीआर साहब ने 19,000 करोड़ का जो खर्चा था किसानों के ऊपर वो सब माफ़ कर दिया है। और मैं तमाम महाराष्ट्र के किसानों को ये विनंती करता हूँ, अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ के हालात सुधरे, आपका भी कर्जा माफ़ हो और ये किसानों की आत्महत्याएं रुके, तो आपको सबको एक होकर केसीआर साहब के हाथ को मजबूत करना होगा, बीआरएस पार्टी को वोट देना होगा और उसमें शामिल होना पड़ेगा। आज हम लोगों ने यहाँ पर जश्न मनाया है, जो कर्जा माफ़ी हुई है यहाँ तेलंगाना सरकार ने, केसीआर साहब ने जो कर्जा माफ़ी की है, उसी मन में हम लोगों ने यहाँ, हमारे यशपाल भिंगे साहब थे, प्रवीण जेठेवाड़ साहब थे, शेख मोइन में तमन्ना वाले थे, हमारे कदम साहब थे, फहीम भाई थे, लतीफ़ भाई थे, यह हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ जश्न मनाया और जितने भी पदाधिकारी थे उनमें मिठाई तकसीम की। मैं ये सबको इस दिन की बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय के